अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने हमें कमेंट करके हमें बताया कि उनको सफारी में कोट का कलर होना और सफारी ही बनेगा लेकिन सेम कोट के जैसा ही दिखेगा, तो उनका कटिंग उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें कमेंट करके बताया, तो मैं उसका साइज बता रहा हूँ और कैसे कटिंग करना है आगे दिखाऊँगा। ये देखिए, लंबाई हो गया 27 इंची, 36 इंची चेस्ट हो गया, 32 इंची बेस्ट हो गया, 36.5 इंची हिप हो गया और 17.5 इंची कंधे हो गया, 24.5 इंची आस्तीन का लेंथ हो गया। और ये 36 में आप भी देख लीजिए, 36 में 4 इंची लूजिंग डालेंगे, यानी फिटिंग में 4 इंची लूजिंग रहेगा, नॉर्मल में 6 इंची लूजिंग रहेगा। और ये 32 का 4 इंच लूजिंग रहेगा और हिप में ये बेस्ट है, बेस्ट में 4 इंच लूजिंग रहेगा और हिप में 1.5 इंच लूजिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक को कट करेंगे। सीधा पहले नीचे के लिए मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे कम से कम 1.5 इंची मार्क लगाएंगे। सताईस इंच पे मार्क लगाएंगे लेंथ का, 27 इंच ऊपर 2 इंच का मार्जिन लगाएं। और ये 16 इंच पे यहाँ से हम नापेंगे, 16 इंच पे बेस्ट का मार्क रहेगा। 40 इंची आ जाएगी लूजिंग, 40 इंची लूजिंग आ जाएगी, तो इसका आर मोल होगी 40, यानी 16 इंच, 16.5 इंच आर मोल आएगी। तो हम यहाँ 8 पे मार्क लगाएंगे, यहाँ से 8.5 पे मार्क लगाएंगे। अब इधर का साइड का मार्क लगाएंगे, ये किनारे छोड़ के 1 इंच पे मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे इसके सिवाने 1 इंच पे मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे 0.25 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 0.5 इंच का मार्क लगाएंगे और सीधा मार्क लगा लेंगे। साढ़े 17 इंच कंधी है, तो 17.5 इंच का 0.9 इंच आएगी, 0.5 इंच मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे 3 इंच गले की गुलाई और 1 इंच यहाँ इसका गुलाई, और टोटल तो हमारा चेस्ट हो जाएगा 4 इंच लूज, 36 इंच, 4 इंच, 40 इंच हो जाएगा। तो 40 इंच हो जाएगा ना, तो हम इसमें से 40 का चौथा हिस्सा था 10 इंच, तो 9.5 इंच पे हम कट करेंगे। और ये 32 इंच, ये 32 4 36 हो जाता है, तो 36 हो जाता है, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच आती है, तो हम 8.5 इंच पे कट करेंगे। और ये 36.5 इंच हिप है, उसमें 1.5 इंच मिलाएंगे तो 38 इंच आती है, 38 इंच मिलाएंगे तो 38 का चौथा हिस्सा आता है 9.5 इंच, हम 9 इंच पर कट करेंगे, यानी हम 0.5 इंच कम करेंगे। अब हम इसको मार्क लगाएंगे, ये जो मार्क लगाए थे ना जितना फिक्स है, तो उस पर सीधा मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्योंकि बैक में ज़्यादा क्रॉस नहीं रहेगी, 0.5 इंच क्रॉस रहेगी। अब इसको यहाँ से हम गोलाई करेंगे, बैक का गोलाई कम ही रहेगी। अब यहाँ से हम सीधा मार्क लगाएंगे। ये हमारा बैक हो गया, अब इसको हमको कट कर लेना है। इसके हिसाब से यहाँ तक कट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मार्जिन देंगे, सिर्फ एक दाब का मार्जिन देंगे, एक दाब का मार्जिन देके हम इसको कट कर लेंगे। और ये जितना मार्क लगाया है, मार्क के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। अब फ्रंट में मार्क लगाएंगे, तो हम इसको साइड कर लेते हैं।
तो हम इसको 27.5 इंची लेंथ देंगे, कुछ ज़्यादा ऊपर उठ गया है। यहाँ पे 4 इंच का मार्क लगाएंगे क्योंकि इसमें ब्रेस रहेगी ना, पलटी होगी। 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से चेस्ट का मार्क लगाएंगे, यहाँ पे मेजर टेप रख लिए, 36 36 और 4 40 होती है, 40 इंच। तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 इंच, तो हम उसमें 0.5 इंच कम किए हैं, तो हम इसमें क्या है 11.5 इंच फ्रंट रखेंगे। ये देखिए चौथा हिस्सा 10 इंच आती है, चेस्ट का चौथा हिस्सा 10 इंच आती है, 1.5 इंच ज़्यादा रखे हैं, ये देखिए 1.5 इंच ज़्यादा। और वेस्ट 32 और 4 36 हुआ, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच आता है, फिर इसमें 2.5 इंच रखेंगे, और 38 इंच टोटल आता है 4 इंच लगा के, तो 38 का 9.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन नहीं रखेंगे, ये लूजिंग आ गई है, और पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो पक्का 4 इंच लूजिंग आएगी। यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग आएंगी, यहाँ 4 इंच लूजिंग आएंगी, तो हम इसको यहाँ मार्क लगाएंगे। अब इसको यहाँ से ये जो हमने कंधी जो गिराए हैं हम इसको नाप लेंगे, देखिए 6 इंच आ रही है यहाँ से, 6 इंच, ये देखिए यहाँ से, सॉरी 6.5 इंच आ रही है, तो यहाँ से हम 6.5 इंच गिराएंगे, 6.5 इंच गिराएंगे। अब इसको सीधा मार्क लगाएंगे। अब ये सीना कितना है, 36 इंच है, 36 का 9 इंच आती है, चौथा हिस्सा 9 इंच आती है, तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क लगाएंगे। अब इसको हम गोलाई कर लेंगे। ये हम गोलाई करेंगे ना तो हल्का इधर डाउन करेंगे, यहाँ उठाएंगे थोड़ा, एक सूत उठाएंगे और यहाँ पे उठा देंगे हल्का, यहाँ गहरा करेंगे, इस तरह गोल कर लेंगे। अब ऊपर से आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसका जो नेपेल है वो दे सकते हैं, जहाँ से ब्रेस पलटी होगी, तो आप 14 इंच भी दे सकते हैं, 15 इंच भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, 13.5 इंच पे रखेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो देख के उसको एडजस्ट आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ से सीधा मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम शेप देंगे। देखिए तीन बटन लगा सकते हैं, क्यों सफारी है और ब्रेस है। अब चाहे तो इसी में कॉलर रख सकते हैं, अगर इसमें आपको कॉलर रखना है तो कम से कम आपको यहाँ से 4 इंच कपड़ा देना है। अब ये हमने यहाँ से इसको सेव किया है तो हम इसको हल्का, से ऐसे सीधा रखेंगे,
ये हमारा बैक का कॉलर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूरा कॉलर कॉलर से अलग है तो आप ऐसा दे सकते हैं, नहीं तो आप बाद में कॉलर लगा सकते हैं। अगर कॉलर आपको लगाना है तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 1.25 इंच का मार्क लगाइए और यहाँ पे है 1.75 इंच का मार्क लगाइए। इसको हल्का सा सेव कर दीजिए, नीचे गिरा दीजिए, ये ऐसा रह जाएगी। और सेम कोट की तरह अगर आपको यहाँ पे पॉइंट चाहिए, कोट की तरह पॉइंट चाहिए तो आपको कॉलर अलग से लगाना पड़ेगा। नहीं तो किसी किसी में देखते हैं ना, बिल्कुल कॉलर ऐसे सेव हो के गोल पीछे राउंड हो जाती है। तो एक तरीका तो ये है कि आपका ये कॉलर बन गया। चाहे तो आप यहाँ से ऐसे सीधा कटिंग कर लीजिए। अभी जो मार्क लगाया देख लीजिए आप, पहले तो बैक कट कर लिया है और फ्रंट सेम इसी तरह रहेगा। फ्रंट आपको मार्जिन इतना देना है कटिंग करने में, कम से कम 1 इंच मार्जिन देना है आपको। 1 इंच मार्जिन देके इसको कटिंग कर लेना है, क्योंकि आप कोट के जैसा बना रहे हैं ना, तो कम से कम आपको यहाँ पे कितना कपड़ा लगेगा अंदर के लिए कपड़ा, अलग से आपको जाती के लिए कपड़ा कट करना पड़ेगा। कम से कम आपको 4.5 इंची का अंदर जो कपड़ा पलटे, सामना जो पलटी करेंगे ना, 4.5 इंची कम से कम कपड़ा आपको लगेगी। और आपको कॉलर अलग से देना है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको कट कर लेते हैं। आपको सीधा यहाँ से हल्का मार्जिन छोड़ के सीधा ऐसे कट कर लेना है, ऐसे कट करके यहाँ से सीधा कट कर लेना है, फिर ऐसे कट कर लेना है, फिर यहाँ से कट करके यहाँ से ऐसे कट कर लेना है, फिर इतना कट करके निकाल लेंगे। फ्रंट आपका हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। आप इसका जो 40 इंच इसमें दिए हैं, अब ये देख लेते हैं कि इसमें 40 इंच आ रही है नहीं, तो यहाँ से नाप के देख लेते हैं ये कितना आएगी तैयारी। हमारा 11.5 इंच आ रही है। अब यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे एकदम मार्जिन जाएगी, तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे। देखिए कितना आ रही है, यानी 20 इंच, 21 इंच आ रही है, यानी 21 इंच आ रही है। तो यहाँ पे 1 इंच का जो बटन का मार्जिन जाती है वो कवर हो जाएगा, पक्का 40 इंच आ जाएगी। इसी तरह आपके नीचे आपके पास कैसा बना पैकेट, अगर सामने लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है। अगर पैकेट लगाना भी रहे तो इसमें वॉलेट पैकेट लगेगी, तो वॉलेट पैकेट लगेगी तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नाप के देखिए, परफेक्ट है, 8.5 इंच पे लगाइए। तो आप क्या कीजिए, 1/2 इंच नीचे गिराइए और यहाँ से 1.5 इंच दीजिए और यहाँ से 4 इंच, 4.25 इंच भी दे सकते हैं। अब यहाँ से आप इस तरह मार्क लगाइए। दूसरा पैटर्न है तो आप दूसरा पैटर्न बना सकते हैं, तो अब इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर वॉलेट पैकेट देना है तो आप इस तरह दे सकते हैं, नहीं तो बाकी दूसरा पैकेट आपके दिमाग में है तो आप दूसरा पैकेट दे सकते हैं। और हमें बताइए कि इसका आस्तीन हमें कैसा कटिंग करना है, ये इसका हाफ आस्तीन है या फुल है, और हाफ है तो नॉर्मल रहेगी, अगर फुल आस्तीन है तो इसमें बटन नहीं रहेगी। तो आपको किस हिसाब से कटिंग चाहिए आस्तीन का, तो हमें बताइए उस हिसाब से हम आस्तीन या कटिंग। अगर सेम कोट के तरह आस्तीन कटिंग चाहिए तो उसमें ज्वाइन नहीं रहेगी आस्तीन में, लेकिन सेम सिंपल रहेगा, लेकिन सेम कोट की तरह रहेगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कैसा कटिंग आस्तीन का बताऊँ, आप हमें कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें बताएं।